गाइज आज की वीडियो होने वाली है द लास्ट ऑफ अस के फैक्ट्स के ऊपर, और मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे फैक्ट्स लास्ट ऑफ अस के बारे में जो मैं गारंटी देता हूँ आपको नहीं पता होंगे। हो सकता है 2-4 पता हूँ लेकिन सारे नहीं पता होंगे। और मेरे से काफी लोग कह रहे थे काफी दिन से कि भाई तू द लास्ट ऑफ अस के ऊपर भी वीडियो बना, क्योंकि काफी सही गेम रह चुका है ये 2013 का एक्शन एडवेंचर सर्वाइवल हॉरर गेम है, जिसे बनाया था नॉटी डॉग ने और पब्लिश किया था सोनी कंप्यूटर एंटरटेनमेंट ने PS3 के लिए, और फिर बाद में इसे पोर्ट कर दिया गया था PS4 के लिए भी। और इसके जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है जोएल, जो कि एक स्मगलर है, और उसके साथ एक टीनेज गर्ल जिसका नाम है एली, और ये अभी US में रह रहे हैं और यहाँ पे ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स आ चुका है और ये दोनों मिलके उससे ही सरवाइव कर रहे हैं। तो ये हॉरर गेम तो नहीं है लेकिन एक एडवेंचर गेम है और काफी सही गेम है। और अब हम बात करेंगे इसके फैक्ट्स के बारे में, और इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और हम लोग चलते हैं फैक्ट नंबर 1 की तरफ, और इसमें हम बात करेंगे कि आखिर इनको इंस्पिरेशन कहां से मिली इस गेम को बनाने की। तो इस गेम के जो डायरेक्टर्स हैं जिनका नाम है ब्रूस और नील, इन्हें पहले बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखा करते थे, और एक प्लैनेट अर्थ की डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और उस डॉक्यूमेंट्री में ये बताया जा रहा था कि कुछ कुछ इंसेक्ट्स की स्पीशीज में एक ऐसा फंगस आ जाता है जो कि उनके हेड में उगता है, यानी कि उनके हेड से बाहर निकलता है फंगस और फिर वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। अब एक तरफ तो वो फंगस देखने में बहुत मतलब कलरफुल होता है, थोड़ा सा सुंदर सा भी दिखता है क्योंकि एक अलग ही नेचुरल सी चीज है, लेकिन दूसरे हाथ पे उस इंसेक्ट को भी काफी ज्यादा पेन सहना पड़ा होगा उस फंगस की वजह से, और फिर एट द एंड उसकी डेथ भी हो गई। और जब वो फंगस उसके हेड में था तब वो उसके हेड को उसकी बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल करता है, यानी कि जो इंसेक्ट है वो बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह की स्टेट में होता है, यानी कि उसका कंट्रोल उसके खुद के हाथ में नहीं होता और फिर बाद में तो वो मर ही जाता है। तो उन डायरेक्टर्स को इस आइडिया से इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा कोई फंगल इन्फेक्शन ह्यूमंस में फैले और इसी वजह से कोई एपोकैलिप्स आ जाए तो कैसा होगा, और फिर इस फंगस का नाम है कॉर्डिसेप्स फंगाई, और ये भी अलग अलग तरह का होता है। हाँ सिर्फ यही नहीं है जिससे इंस्पिरेशन मिली, और भी काफी चीजों से इंस्पिरेशन मिली, जैसे कि कुछ मूवीज हैं जैसे कि ट्रू ग्रिट और 28 डेज लेटर, और एक कॉमिक और टीवी सीरीज है जिसका नाम है द वॉकिंग डेड, और ये तो आपको पता ही होगा इसके बारे में, और एक मैकार्थी की नॉवल है जिसका नाम है द रोड। तो इन सब चीजों से उन्हें इंस्पिरेशन मिली इस गेम को बनाने की। अब सेकंड फैक्ट में हम एक काफी फंसी चीज के बारे में बात करने वाले जो कि इसके डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। क्या होना था कि ये जो गेम है द लास्ट ऑफ अस, ये रिलीज होना था 2011 में, 2 साल से डेवलपमेंट में था, 2011 में रिलीज होना था अनचार्टेड 3 के पहले, लेकिन इसकी रिलीज डेट डिले कर दी गई और अनचार्टेड 3 पहले रिलीज हो गया। अभी जो दोनों गेम है अनचार्टेड 3 और द लास्ट ऑफ अस, ये दोनों ही नॉटी डॉग्स ने बनाया है, और जब अनचार्टेड 3 बना रहा था वो तो उसने अनचार्टेड 3 में एक रेफरेंस छोड़ दिया था द लास्ट ऑफ अस का, जिसमें जो ओपनिंग सीन है उसमें ड्रेक जो है वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और वहां पे उसकी हेडलाइन है साइंटिस्ट आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड डेडली वायरस, और ये जो लाइन है इशारा करती है द लास्ट ऑफ अस की तरफ। लेकिन क्योंकि द लास्ट ऑफ अस की डेट डिले हो गई, वो तब रिलीज ही नहीं हुआ, बाद में रिलीज हुआ, तो इसीलिए किसी को समझ में नहीं आया इसका रेफरेंस। तो मतलब नॉटी डॉग्स का काफी सही जोक सा हो गया। और थर्ड फैक्ट में हम बात कर रहे हैं जोएल और एली की रिलेशनशिप के बारे में। तो क्या था कि इनका जो रिलेशन है जो दिखाया गया गेम में वो काफी ज्यादा मतलब डीप दिखाया गया है और काफी सारे गेमर्स को पसंद भी आया, इसलिए इसकी स्टोरी जो है काफी अच्छी कही जाती है। तो जो इनके डायरेक्टर है नील ड्रकमैन, उन्होंने इसके रिलेशन के बारे में कहा था कि ये बिल्कुल रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, बल्कि रियल लाइफ पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप से इंस्पायर्ड है। जैसे कि रियल लाइफ में क्या होता है कि कोई पेरेंट है वो अपने बच्चे को किसी दिक्कत से बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इस एक्सटेंट को दिखाया गया है गेम में। जैसे वो खुद अपना एग्जांपल लेता है कि जब मेरी बेटी जो है किसी दर्द में होती है तो मैं सोचता हूँ कि वो दर्द मेरे को हो जाए उसे ना हो, और इवन वो ये भी कहते हैं कि अगर कभी मेरी बेटी को बचाने के लिए मेरे को 5-6 लोग मारने भी पड़े तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ये उनका एक्सटेंट है कि वो किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं, और यही चीज उन्होंने गेम में भी दिखाई है। गेम की एंडिंग में हमने देखा था कि जोएल सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है सिर्फ एली को बचाने के लिए, इवन वो अपनी खुद की सोल अपनी खुद की बॉडी भी सैक्रिफाइस करने को तैयार है एली के लिए। उसे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी पूरी मैनकाइंड का क्या होगा, लेकिन एली बचनी चाहिए, उसके लिए वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एक काफी मतलब डीप रिलेशनशिप है जो कि दिखाई गई है गेम में। अब ऐसी ही कुछ रिलेशनशिप जो है वो एक लाइफ इज स्ट्रेंज गेम है उसमें भी दिखाई गई है, मतलब पेरेंट चिल्ड्रन वाली रिलेशनशिप तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत ऐसी है, जिसमें जो एंडिंग है उसमें दिखाया गया था कि मैक्स के पास 2 ऑप्शन है, या तो सैक्रिफाइस आर्केडिया बे या फिर सैक्रिफाइस क्लोई, और वैसे गेम ने तो हमें चॉइस दे दी क्या करना है, लेकिन एक गेमर के ऊपर है कि वो क्या करता है, वो क्लोई को सैक्रिफाइस करते हैं आर्केडिया बे को सैक्रिफाइस करते हैं। तो जिन लोगों ने सैक्रिफाइस आर्केडिया बे किया होगा तो उससे पता लगता है कि वो किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं क्लोई
को बचाने के लिए और उससे उनका कितना रिलेशन बन गया है। खैर ये हम कहां पहुंच गए लाइफ इज स्ट्रेंज पे, उस पे कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं फैक्ट नंबर 4 की तरफ। और यहां पे जब गेम का एंड होने वाला है तब हमें दिखता है कि जोल जो है वो फायरफ्लाई हॉस्पिटल में भाग रहा है एली की जान बचाने के लिए, और वहां पे हॉस्पिटल में काफी सारे आई चार्ट्स हैं, यानी कि जिससे हमारी आई साइट टेस्ट की जाती है कि वो हमें सही लेटर्स पढ़े जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो उसमें से एक पर्टिकुलर आई चार्ट है और उसमें काफी सही मैसेज दे रखा है, अगर उसे कोई डिकोड करे तो उसमें लिखा है रन यू आर नियरली देयर डोंट क्विट। तो इससे पता लग रहा है कि गेम भी एक तरीके से मोटिवेशन दे रहा है कि भागो यार भागो, तुम एली को बचा सकते हो, तुम बहुत पास हो उसके। और इससे एक और चीज समझ में आती है कि गेम खुद बता दे कि गेम जो खत्म होने वाला है। और फिफ्थ फैक्ट में हम एक और रेफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं अनचार्टेड 3 और द लास्ट ऑफ अस में। और अनचार्टेड 3 की स्टार्टिंग में जो बार दिखाया गया जहां पे नथन ड्रेक बैठे और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वही सेम बार द लास्ट ऑफ अस में भी दिखाया गया है जब आप पिट्सबर्ग पहुंचते हैं। और उस बार का नेम है वो स्लेवन आयरिश पब, और ये जो नेम है बार का ये भी लिया गया सुली से जो कि नथन का एक काफी अच्छा दोस्त था। तो इससे काफी गेमर्स को ये लगता है कि हो सकता है अनचार्टेड और द लास्ट ऑफ अस कहीं ना कहीं कनेक्टेड और सेम यूनिवर्स का एक पार्ट है। और जो सिक्स फैक्ट है वो भी काफी सही फैक्ट है, क्या कि पिट्सबर्ग में एक बिलबोर्ड है और उस पर कुछ फ्लायर्स चिपके हुए हैं और वो बेसिकली पोस्टर्स हैं एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी के, और उस पर ना कंपनी के नंबर्स लिखे हुए कि अगर आपको अपने घर में पेस्ट कंट्रोल करवाना है तो इन नंबर पे कॉल कीजिए। अब बहुत से गेमर्स को तो यही लग रहा होगा कि हाँ ठीक है नंबर्स हैं नकली होंगे, कौन सा असली में मिलाने पे कुछ होगा। तो बहुत से लोगों ने असली में मिला के देखा और पता चला कि ये फोन सेक्स हॉटलाइन नंबर्स हैं भाई, ये नंबर डाल दिए गेम में। फिर इनके डायरेक्टर आगे आए और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही बड़ी गलती है और ये हमसे मतलब हमने इंटेंशनली नहीं किया ये, और फिर बाद में एक अपडेट के द्वारा इन नंबर्स को चेंज कर दिया गया। नॉटी डॉग इज गेटिंग नॉटी। अबे साले। और सेवन फैक्ट में हम बात कर रहे थे वॉकिंग डेड ईस्टर एग के बारे में, और इसमें वॉकिंग डेड का भी ईस्टर एग छोड़ा गया लास्ट ऑफ अस में। यहाँ पे आपको एक घर मिलेगा जिसमें स्विमिंग पूल भी है, एक ट्री हाउस भी है, और उस घर से फीलिंग आती है कि वहाँ पे पहले कोई बच्चा रहता होगा जरूर। और ये जो घर है ये बहुत ज्यादा सिमिलर है क्लेमेंटाइन के हाउस से, जो कि द वॉकिंग डेड में करेक्टर है, आप जानते ही होंगे उसे अगर आपने द वॉकिंग डेड खेला है। तो ये डायरेक्ट रेफरेंस छोड़ा गया एक जॉम्बी गेम जो दूसरे जॉम्बी गेम का रेफरेंस छोड़ रहा है। और अगर आपको नहीं पता द वॉकिंग डेड क्या है, तो द वॉकिंग डेड इज अ कॉमिक एंड टीवी सीरीज जो कि 2010 में आई थी, और फिर इसके बाद टेलटेल ने इस पे गेम भी बनाया 2012 में, जिसका फर्स्ट सीजन 2012 में आया था, और फिर इसके आगे चल के और भी काफी सारे सीजन आए। और एक काफी ज्यादा फेमस गेम की सीरीज है, अगर आपने नहीं खेली तो एक बार जरूर खेलना, काफी अच्छी स्टोरी है। देखा फिर से हम किसी और गेम पे पहुंच गए, वापस आते द लास्ट ऑफ अस पे। और हम बात कर रहे हैं एट्थ फैक्ट में टेस्ट के बारे में, और पहले ये एक विलन होने वाली थी। अभी क्या है कि टेस्ट जो एक काफी स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी पार्टनर है, कंपेनियन है जो कि हेल्प करती है जोल की काफी सारी सिचुएशंस में, एक मिलिट्री अटैक में टेस्ट ने अपनी जान भी कुर्बान कर दी ताकि वो कुछ टाइम बचा सके जोल और एली को वहां से भागने के लिए। लेकिन जब डेवलपमेंट चल रही थी तब टेस्ट के लिए काफी अलग टाइप का रोल सोचा गया था, उसे कहा गया था कि उसे एक विलन बनाएंगे, कि टेस्ट को जो है वो जोल ने धोखा दिया था कुछ टाइम पहले, और फिर गेम में वो बदला लेने आती है जोल से और जोल को पकड़ लेती है, और फिर एली टेस्ट को मारती है ताकि वो जोल को बचा सके। लेकिन उन्हें लगा कि ये काफी क्लिशे सा हो गया, मतलब हॉलीवुड डिवेंट स्टोरी जैसे चलती है वैसा सा हो गया ये। तो फिर इसलिए उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया और टेस्ट को विलन बनाने की जगह उसका दोस्त बना दिया। और नाइन्थ फैक्ट में हम बात कर रहे हैं कि बहुत से लोगों को नहीं पता कि द लास्ट ऑफ अस पहले एक जैक एंड डेक्स्टर गेम होने वाला था। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ था कि जब अनचार्टेड 2 काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही थी तब उसकी जो टीम है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक पार्ट जो है वो एक टीम जो है वो बना रही थी अनचार्टेड 3 और उस पर काम कर रही थी, दूसरी टीम को ब्रूस और नील लीड कर रहे थे, जिसमें से कि ब्रूस जो वो अनचार्टेड 2 को ही डायरेक्टर था। और इनको काम दिया गया था कि वो जैक एंड डेक्स्टर सीरीज को रिबूट करेंगे और उसके लिए एक रिबूट गेम बनाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने अपने वो अनचार्टेड 2 के एक्सपीरियंसेस को यूज करना शुरू किया और उसमें एक नए गेम में बनाना शुरू किया कि नया गेम कैसा होगा जैक एंड डेक्स्टर सीरीज का, इन्हें इसे रिबूट करना है। लेकिन फिर जब वो ऐसा कर रहे थे ना तो काफी दूर चले गए, तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो गेम आए भले ही इसका नाम जैक एंड डेक्स्टर हो लेकिन एक गेम में वैसी फील रहे ना, और फिर हो सकता है कि जो पुराना फैन बेस हो जैक एंड डेक्स्टर गेम का वो भी ज्यादा पसंद ना करे इस गेम को। और फिर इसके बारे में उन्होंने अपने सुपरवाइजर से बात करी और फिर सुपरवाइजर ने कहा कि चलो ठीक है तुम सही कह रहे हो और अब तुम्हारे पे ग्रीन सिग्नल है, जैसा गेम बनाना चाहते हो वैसा बनाओ। और फिर इसके बाद वही सीन हुआ जो कि मैंने अपने पहले फैक्ट में बताया था कि उनको इंस्पिरेशन मिली एक डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद। और टेंथ फैक्ट में हम काफी फनी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको पता है कि एली जो है वो काफी चोरियां भी करती हैं। जी हां, वो चुरा लेती हैं चीजों को, बहुत सी ऐसी चीजें होती है गेम में जो कि उसे नहीं लेनी चाहिए, उसे नहीं लेनी, लेकिन वो क्या करते कि जब भी आप अपना कैमरा एंगल जो है वो थोड़ा सा भी घुमाओगे उसकी तरफ नहीं देखोगे तो तभी आएगी चुपके से वो चीज उठाएगी और वापस चली जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। और गेम का AI है वो इस तरीके से ही काम करता है कि जब आप उसे देख रहे होगे तब वो कुछ नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा इधर मुड़ोगे वैसे ही वो आएगी और चुरा लेगी चीज। लेकिन बहुत जो शाने गेमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो धीरे से हटाते हैं कैमरा एंगल और फिर दोबारा दिखने लगते हैं, तो उन्हें साफ साफ दिखता है कि एली चोरी कर रही है। खैर इससे एक और बात पता लगती है कि डेवलप
ऊपर ने कितना डीपली इस गेम को बनाया है। तो गाइज बस यही थे 10 फैक्ट्स द लास्ट ऑफ अस के बारे में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपने द लास्ट ऑफ अस खेला है या नहीं, और अगर खेला तो आपको कैसा लगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।